तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है एक न्यू इंटरेस्टिंग है जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं नोवा 755 के गेम प्ले के बारे में, यानी कि उसका जो मॉडल है वो तो हमने जो है आपको पहले ही दिखा दिया था, लेकिन जो है वो फाइनली गेम के अंदर ऐड भी हो चुका है। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो है उसका जो है 4x4 वगैरह करके सब कुछ जो है मैं आपको नोवा 755 के बारे में बताने वाला हूँ, उसका जो है लुक वगैरह कैसा कुछ होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये देखो, ये है अपना नोवो 755 DA। तो फाइनली जो है ये महिंद्रा कंपनी का है, और इसके जो टायर वगैरह देखो, पीछे वाले और आगे वाले जो टायर्स हैं वो पूरे जो है एकदम से सेम वाइज सेम है। और इसके अलावा जो है आप इसका आगे का जो लुक वगैरह देखो, उसको भी जो है काफ़ी कुछ चेंज वगैरह किया है। और इसके आगे का जो बम्पर है वो सबसे अलग है, क्योंकि वो जो है इसको जो है पूरा पैक वगैरह रखता है, यानी कि जो जाली वाला बम्पर है उसको जो है पूरा यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अगर जो है अपन इसके ऊपर जो है चैन वगैरह लेंगे तो क्या इसके ऊपर चैन वगैरह आएगी, तो वो भी जो है मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा जो आपको बम्पर वगैरह है वो जो है आपको नॉर्मली जैसा आपको नोवा 755 के अंदर मिलता है वैसा ही है। और इसके ऊपर की जो रॉड है इसको तो जो है आप वैसे भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है चारों ओर से इसका जो है नॉर्मली लुक वगैरह बता दिया है। और चढ़ने के लिए आप यहाँ पे देखते हो आपको जो है स्टैंड वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे आप पैर वगैरह देखे, अगर रियल होता तो यहाँ से आप चढ़ सकते थे, लेकिन ये अपना जो है गेम है और कैरेक्टर वगैरह है ऐड होंगे तो उसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा काम वगैरह आएंगे। यानी कि जो है हम आगे के लिए सोच रहे हैं, यानी कि आगे यानी भविष्य के अंदर जैसे ही जो है गेम के अंदर कैरेक्टर वगैरह ऐड होंगे तो उसको जो है नीचे वगैरह उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसीलिए इसको जो है पहले ही बना दिया है इस ट्रैक्टर के अंदर। तो अभी जो है अपन बात करते हैं इसके अंदर जो है अपन क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड वगैरह जो नॉर्मली है वो आपको मैं कॉन्फिग के अंदर जाके दिखा देता हूँ। 140 नॉर्मल स्पीड है, और जो इसका मैक्सिमम ब्रेक है वो 10,000 है, और जो इसका टोर वगैरह है वो आपको जो है 1,000 मिल जाता है। बाकी जो है इसके टायर वगैरह आप जो है नॉर्मली मैंने जो है सबको ऑल पे रखा है। तो अपन जो है इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी कुछ जाती है। तो नॉर्मली मैंने जो है इसकी स्पीड फुल कर दी है, तो अभी इसको अपन चेक वगैरह करेंगे लाइटिंग वगैरह भी। तो स्पीड तो जो है इसकी एकदम से ठीक ठाक है। और 4x4 करने के लिए अभी जो है अपन ने इसको इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि अपने कीचड़ के अंदर, तो क्या ये इसको पार वगैरह कर पाएगा? अगर पार कर लिया है तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, वरना जो है एकदम जो अपना मीडियम ट्रैक्टर है इस तरीके से होने वाला है। अगर इसको पार कर लिए हैं तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, यानी कि बाकी को जो है टक्कर देने वाला ट्रैक्टर है। तो अभी तो जो है इसको ये पार करने जा ही रहा है, और फाइनली जो है ये पार कर लेगा क्योंकि इसके अंदर जो है ये काबिलियत है। तो ये देखो, इसने तो जो है अपना पार वगैरह कर लिया है, यानी कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। इसके अंदर जो टोर वगैरह है वो एकदम से यूनिक वगैरह है, और टायर वगैरह की जो साइज वगैरह अगर आप बढ़ाओगे तो काफ़ी और भी जो है अच्छा हो जाएगा ये ट्रैक्टर। अभी जो है मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। ये देखो, अपने जो है इसकी साइज वगैरह बढ़ा दिया, और लाइटिंग वगैरह देखते हैं क्या ऑन होती है। तो हाँ, लाइटिंग वगैरह भी इसकी रेडी कर दी है। अगर दो बार क्लिक करोगे तो आपको इंडिकेटर वाले पास वाली जो लाइटिंग है वो भी इसके अंदर ऑन हो चुकी है। और कलर वगैरह जो चेंज है वो भी आपको दिखा देते हैं क्या होता है या फिर नहीं। तो हाँ, इसका जो कलर वगैरह है आप देख, तो इसके कलर वगैरह भी जो है चेंज हो रहे हैं। वैसे जो है आप इसका कलर वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हो। ये देख, तो ये इसका आपने कलर वगैरह कर दिया है, और बाकी जो है इसको 9755 जो आपको दिख रहा होगा वो काफ़ी यूनिक और दिख रहा है। और बाकी जो है इसका साइलेंसर वगैरह और चेंज करोगे तो और भी यूनिक चीज़ें दिखेगी। जैसे अपन जो है इसके ऊपर जो है डीजे वगैरह ले लेते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर जाते हैं, और यहाँ से अपन जो है यहाँ पे आपका जो ये अभी लेवेंडर आने वाला है गेम के अंदर, इसको भी हमने ले लिया है, और इसके साथ अपन जो है डीजे भी लेते हैं, यानी कि जो अपना ये टफ वाला यानी कि रूप वाला जो डीजे है उसको ले लिया है ताकि इसका और भी लुक यूनिक आए। तो अभी जो है इसका लुक वगैरह देखो तो कितना यूनिक है। तो ये जो है फाइनली गेम के अंदर ऐड हो चुका है, और अभी जो है अपन इसकी और कुछ चीज़ें हैं वो चेक कर लेते हैं, यानी कि जो अपना स्मोक का कलर वगैरह है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो है नॉर्मली कोई भी ये कलर चूज किया है, तो फाइनली हाँ इसका जो है स्मोक वगैरह यानी कि ये फाइनली गेम के अंदर रेडी हो चुका है। अभी जो अपना टोसन किंग है उसको रेडी करना है, और वो जैसे ही जो है रेडी वगैरह होता है तो उसका भी आपको गेम प्ले वगैरह मिल जाएगा। तो उसको देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो है नोवा 755 आपको कैसा लगा वो भी जो है कमेंट वगैरह के अंदर बता देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।